स्वर्ण कार जी आपके पास मेरी प्यारी सी मैया के लिए कोई विशेष और होगो? कुछ विशेष हो तो ही दिखाना, हमारी राजरानी का मन जीतना इतना आसान ना है। ना ना, इसकी कोई आवश्यकता ना है। क्या आपको सच्ची में ऐसा लगता है कि मैं एक माला के कारण क्रोधित हूँ? हाँ, ये तो बालक है, पर आपने ऐसा कैसे सोच लियो? क्या मैं केवल वस्तुओं से प्रेम करती हूँ और उस पर से स्वर्णकार को बुला करके स्वांग भी कर रहे हो? रानी जी, सत्य तो ये है कि आप बीच में मत ही बोलिए श्रीमान। यशोदा, मैंने ना बुलाया स्वर्णकार जी को। मैं जानता हूँ तुम्हारे क्रोध का कारण क्या है। आपकी मैया से तो मुझे भी भय लग रहा है प्रभु, ना जाने कब ये साक्षात माँ दुर्गा बन जाए। आप पे तो तनिक भी भरोसा ना है मुझे, बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने ही बुलाया ही नहीं। जब भी ऐसी कोई बात होती है ना, आप कान्हा के साथ मिलके जे ऐसी योजना बनाते हो। नहीं, मैं इनके बुलाने से नहीं आया हूँ, मैं श्री नारायण की इच्छा से आया हूँ। श्री नारायण की सौगंध। मैंने सोचा कि यहाँ आकर एक दो हार तो बिक ही जाएंगे, और यहाँ वृंदावन की रानी जी जो रहती हैं। अति मत करो कुबेर जी, स्वर्णकार जी ऐसी बात है तो आप ठहरो। मैया ने मुझे सिखाया है कि किसी को अपने द्वार से निराश ना भेजना चाहिए। अरे पर... चिंता मत करो, इनके क्रोध में भी प्रेमी छिपा होता है। बात अनोखी है ये, इसलिए आपको ये अनोखा टोला बाहर दिखाओ। मैंने क्या समझाया था और उसने क्या समझ ली? अरे, मेरा चेयर थोड़ी था कि वो उपहार देकर अपनी भूल को सुधारा जा सकता है। ये देखिए नंदराज। ना ये, ना ये भी ना चलेगो। इसकी तो शोभा ही निराली है। ओहो संकार जी, मैया को ये सब बिल्कुल अच्छा ना लगेंगे। कुछ विषय दिखाओ ना, कछु अनोखा। कितना सुंदर हार है, पर जो स्वर्णकार कान्हा को उसे दिखा क्यों ना रहा? वो तो मेरे सभी वस्त्रों के साथ जचेगो और खिलेगो मुझ पे। स्वर्णकार जी, आप ये वाला दे दो मैया के लिए। और आपके लिए क्या राजकुमार? मुझे बस एक मोती दे दो आप। बस केवल एक मोती? हाँ। ये रानी जी के लिए माला और ये राजकुमार जी के लिए मोती। स्वर्णकार जी, मूल्य तो लेकर जाओ। हाँ, प्रभु के दर्शन मिल गए और क्या चाहिए मुझे। जो ठीक लगे वो दे दीजिए। प्रणाम प्रणाम। लो मैया, बताओ कैसा है। सुनो जी,
अपने लल्ला को समझा दो। यदि उसे लगतो है कि मैं उपहार की भूखी हूँ तुझे उसकी भूल है। अरे उपाय ना है मैया, ये तो साक्ष है कि मुझे भूल समझ में आ गई है। और ये भी समझ आ गयो है कि कैसे आज मेरे कारण मेरी मैया को लज्जित होना पड़ो। ये साक्ष है इस बात का कि मैं सच्ची में क्षमा मांग रही हूँ कि मेरे कारण आपको इतना दुख पहुँचा है। ये इस बात का भी साक्ष्य है कि मैंने अपनी भूल से सीख ली है कि मैं यदि कछु अनुचित कार्य करता हूँ तो पहली अंगुली मेरी मैया के ऊपर उठती है। तुझे जो आभास होना चाहिए कि जो हुआ वो अनुचित है, फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कान्हा। अरे ये इस बात का साक्ष्य है मैया, मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूँ। जो हो चुको है उसे तो मैं बदल ना सकता, पर कम से कम वो माला तो बदल ही सकता हूँ जो आपने नई काकी को दी है। और चौथी बात, अविलंब अपनी भूल सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का साक्ष्य होने के साथ साथ ये मेरे वचन का प्रतीक है मैया कि मैं आज के बाद ये भूल कभी ना करूँगो। तुम्हें विश्वास तो ना होगो पर मैं कह देता हूँ कि जो कुछ भी कर रो है, जो कुछ भी कह रो है, उसमें मेरा रत्ती भर भी योगदान ना है। अब तो मैंने वचन भी दे दो मैया, अब तो स्वीकार कर लो ना इसे। आपको जो अच्छा लगा था वो ही हार लेकर आयो, फिर भी ना लोगे आप? इधर तुझे कैसे पता चलो कि जेही वाला हार मुझे सबसे अच्छा लगो? एक लल्ला को अपनी मैया की रुचि पता चलनी चाहिए ना। अब तो क्रोध छोड़ दो ना मैया, मान जाओ ना। पर जे अंतिम अवसर है लल्ला, यदि फिर से कोई गोपी ने तुझ पर आरोप लगाओ ना तो ऐसा ना होगा मैया। आप चिंता मत ही करो, उसके लिए भी सोच के रखा है मैंने। चोरी तो कान्हा ने हमारे घर पे भी की थी, इसने हमें कछु ना दियो। जे एक मोती तो किस किस को देगो? मैया मन में आपने ही कही थी ना, एक बीज से पूरा वृक्ष उगा तो है। तो तू इस मोती को बोएगो? हाँ, जब उस मोती को बोएगो उसमें से वृक्ष उगाएगो और जब उसमें मोतियाँ आएंगी तो जिस सारी गोपियों को देगो ना लल्ला। आपने तो मेरा मन पाल लियो मैया। अरे पर परिहास कर रही थी लल्ला, मोती वृक्ष पे ना उगते। क्यों ना उगते मैया, जब छोटी सी गुठली से बड़ा आम का वृक्ष उग सकते है, ढेर सारे जामुन उग सकते हैं, तो मोती क्यों ना उग सकते। लल्ला बीज से केवल फल और फूल उगते हैं, मोती ना। पर मैया आपने तो कही थी श्री नारायण का नाम लेने से सब कुछ संभव हो जाता है, तो फिर ये क्यों ना हुआ? नारायण के नाम में तो बहुत सारी शक्ति है ना? हाँ, पर सुधा, जीवन की सीख करने से ही मिलती है, जब करेगो तभी सीखेगो। हम केवल इसकी सीखने में सहायता कर सकते हैं, है ना? मोतियों का वृक्ष मिलेगा, देखना आप दोनों। चल आ जा।
है नारायण, ये कैसे संभव है? सुनो जी, ये देखो। क्या हुआ यशोदा? सुबह सुबह आप चाहती थी ना कि आप सबको मैं कछु ना कछु दूं। देखो कितना विशेष उपहार है मेरे पास। जे तो मोती है। मोतियों का ब्रज? पर ये तो असंभव है ना। लो आप सभी तो कहती हो, मैं बहुत अधिक प्रश्न पूछती हूँ। और अब देखो आते ही सबके सब प्रश्न पे प्रश्न पूछने लगे। हमारी इच्छा पूरी हो गई, कान्हा के हाथ से उपहार मिल गया हमें। प्रभु, ये चमत्कार तो सभी के सामने कर दिया आपने, कहीं इससे आपका सत्य मैया को पता तो नहीं चल जाएगा? ये तो सच्ची के मोती है, वैसे ही जैसे स्वर्णाकार के पास होते। वृंदावन में जब से आए हैं कोई ना कोई चमत्कार तो हो ही रहो है। अवश्य ही किसी बहुत बड़ी देवी का आशीर्वाद प्राप्त है इस स्थान को। देवी का आशीर्वाद या फिर हमारे कान्हा का? कहीं सच्ची में कान्हा चमत्कारी तो ना है? मैंने कहा था ना प्रभु, हंस गए। ये वृक्ष अवश्य ही कान्हा ने बोए होगो, है ना जीजी? आप सब भी ना बिना सत्य जाने ही बोलने लगती हो। ये मेरा चमत्कार ना है, ये तो देवी का चमत्कार है। कौन सी देवी का? मेरे मैया अर्थात आपकी यशोदा देवी का। जी क्या कह रहे हैं कान्हा? सत्य ही तो कह रहा हूँ। आप सभी बताओ, जब हम गोकुल से वृंदावन आ रहे थे तो किसने कही थी कि वृंदावन में सबको गोकुल जैसी सुख सुविधा मिलेगी? यशोदा जी। और यहाँ आने के बाद भगवान श्री गणेश का स्वर किसको सुनाई दिया था? यशोदा जी। और कल किसने कही थी हमारा कान्हा मोती को बीज की तरह बोएगा?
फिर उसमें से बड़ा सा वृक्ष उगेगा और उसमें मोती आएंगे। यशोदा ने आप भी तो मैया हुई ना मैं चमत्कारी। ये जो कहती है सत्य होके ही रहता है। चुप करना खट, कुछ भी उल्टा सीधा आके जा रहे हैं। मिसेस यशोदा जी, कानक कहे तो सत्य रहो है। तुम भी इसकी बातों में आगे सुलच्छना। अरे जे तो सारे संजोग जोड़ के बस अपनी बातें सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई देवी ना हूँ, मैं तो बस साधारण सी मैया हूँ और जे मेरा साधारण सा लल्ला है। पर ये मोतियों का वृक्ष चमत्कार है ना, पक्की बात है। लगता है किसी ना किसी देवी देवता का आशीर्वाद है इस स्थान को। सब तो मैं ना जानती, पर हाँ श्री नारायण का आशीर्वाद तो अवश्य है। सब जानता हूँ कि आप मेरी प्रतीक्षा कर रही है। कौन प्रभु? आशीर्वाद नारायण का हो या देवी देवताओं का, हम धन्यवाद तो तुझे ही कहेंगे काना। काना बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा उपहार दिया है। अच्छा जी जी, अब हम चलते हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। तुम्हारे हाथ में चमत्कार है, तुम देवी हो कान्हा। अरे देख क्या रहे हो, देवी खड़ी है, आसन लेकर आ, जा बिछा बिछा बिछा। अरे अदारो देवी माँ, आसन ग्रहण करो। अरे ना, आप भोजन ना बनाएंगी, आपको तो भोग लगेगो और वो मैं और कान्हा मिलकर बनाएंगे। फिर बताती हूँ तो फूल कहाँ से आ गए? लगता है उनका भय समाप्त हो रहा है। किसका प्रभु? वो भी कौन सकता है मुरली? हाँ वो ही है, वो वृंदा देवी। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कब दर्शन देंगे प्रभु, कब आएंगे आप?
किसने भेजा है। जाकर विंदा देवी को मेरा संदेश दो, मैं कल उनसे मिलने आऊंगा। ये वचन है मेरा। सदैव की तरह आप इस बार भी सही थे प्रभु। वृंदा देवी ने ही भेजा था इन सबको। प्रभु आपने वचन तो दे दिया, पर मैया की आज्ञा के बिना कल कैसे जाएंगे अपन? ये समस्या तो है मुरली, पर इसके समाधान के लिए मुझे आवश्यकता है वृंदावन की सभी गायों की। आज रात का समय है आप सबके पास, मेरी सहायता करो गाँव मैया। सारा चारा रात भर में समाप्त कर दो। हे नारायण, छे कैसे संभव? पता नहीं महाराज, जब हम सवेरे आए तो सारी गैया और बछड़े पहले ही से खुले थे। इन्हें देखो तो सही, ऐसा लग रहा है कि जैसे भरपूर पेट चारा खा के अब विश्राम कर रही हो। तुम्हारा कहने का अर्थ यह है कि जिस सप्ताह भर का चारा एक साथ खा गई? धन्यवाद गौ मैयाओ। जी देखो नंदराज, आपकी बात पर सबने कैसे हामी भरी है, जैसे अपनो दोष स्वीकार करो है। नंद, वृंदावन के हर घर की यही कथा है, सभी घरों का सारा चारा खा गई है, गई है। अवश्य ही किसी ने रात को इनकी रसियन को खोल दिया था। ऐसा कौन कर सकतो है? अब जे मत ही कहियो कि जे भी मेरे कान्हा ने करो है। हाँ नहीं तो। नाना जीजी, कान्हा ऐसा क्यों करेगा भला? हमें तो लगतो है अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच ने करो है ये सब। हाँ, भूत प्रेत पिशाचों के पास तो और कछु कार्य है ही ना, रात में गैयाओं और बछड़ों को खोल के चारा खिलाते फिर। क्या मौसी? ना, मुझे लगतो है जे किसी नटखट की शरारत है। पर मैं तो अचरज इस बात पे हूँ कि जे हमारी गैयाओं और बछड़ों ने सारा का सारा चारा एक रात में कैसे समाप्त कर दियो। मैं भी जे ही सोच रही हूँ। अवश्य गाँव मैयाएं सुरक्षा काकी से भी अधिक भूखी रहे होंगी। तू बस मेरे भोजन पे ही दृष्टि रख। पतो है जब से वृंदावन आई हूँ दुर्बल हो गई हूँ। तब तो आपको गैयाओं से भी अधिक भोजन की आवश्यकता है काकी। तो मैं अभी आपकी नहीं गैयाओं की भोजन की बात कर रहा था। अब तो सारा चारा समाप्त हो गया है, अचानक से उनके लिए चारा कहाँ से आएगा? समस्या तो सच्ची में विकट है, पर समाधान हो गया। हमें वृंदावन के वन में भीतर तक जाना होगा और गैयाओं के चरने के लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना होगा, और ये कार्य हमें आज ही करना है। योजना सफल हो गई। वृंदा देवी मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने। आपके आने की सूचना मात्र से ही मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया है प्रभु। आपके दर्शन से मैं धन्य हो जाऊंगी। तनिक शीघ्रता करो सब, गोधूली वेला से पहले वापस लौटना है हम सबको।
सब तैयार है? हाँ, हम सब तैयार हैं नंदराज। हाँ बाबा, मैं भी तैयार हूँ। चलो मैया। कहाँ? मैया वन और कहाँ? कैया को चढ़ाने जाना है कि ना? ना, तू कहीं ना जा रहा है। ये लोग बहुत भीतर तक जा रहे हैं वन में। नया स्थान है, यहाँ की चुनौतियाँ कठिनाइयाँ इन सब से अनभिज्ञ हैं हम। जाने बालकों के लिए सुरक्षित है कि ना? जल्दी चलो, विलंब हो रहा है। हाँ। लो जी। मैया ने तो सारी योजनाएं चौपट कर दी, अब वृंदा देवी को जो वचन दिया है उसे कैसे निभाऊं मैं? मेरे प्रभु आने वाले हैं, मुझे उनके स्वागत की तैयारी करनी होगी। सुन कान्हा, एक कार्य करे ना। आप मेरी बात ना सुनती, मैं भी आपकी बात ना सुनूंगा। इतना क्रोध क्यों रे? वन जाके क्या करना था तुझे? मिलना था। मिलना था वन में किससे? ये क्या बोल रही हूँ मैंने, फिर से फंस गो बिच्छू और लताओं से, खरगोश से, हिरन से, खिलाड़ी से, वानर मराद से, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना? हाँ, जैसे पूरा का पूरा वृंदावन का वन तुझसे ही मिलने की तो प्रतीक्षा कर रहे है। आपको कैसे बताऊं मैया, वृंदा देवी स्वयं मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा ठीक है, वन किसी और दिन चले जाएंगे उनसे मिलने, पर आज मैया और लल्ला बहुत सारे खेल खेलेंगे, बहुत आनंद उठाएंगे। पता कौन सा खेल खेले? कर दो क्षमा त्रुटि को मेरी, भूल भी जाओ ना। टूट गया कान्हा, ऐसे दूर जाओ ना कान्हा, अपनी मैया को हृदय से लगाओ ना। ओ लल्ला मेरे मान जाओ ना, कान्हा मान जाओ ना। मैंने तो कितने समय तक बनाया था मैया को, जब ये रूठ गई थी, पर ये तो इतनी शीघ्र ही थक गई। मेरी तू रही
क्या गाना? मैं तो आपसे क्रोधित था मैया, कोई खेलना खेलना मुझे तो बन जानो है। आप ना जाने दोगी तो मैं सेम चले जाऊंगा अपने सखाओं के साथ। प्रयास भी मत करियो लल्ला, और तुम सब भी, तुम में से कोई भी वन जाने का प्रयास ना करेगा, समझ आई? हाँ। अच्छा लल्ला, मैं तुझे वचन देती हूँ, अगली बार जब वन जाऊंगी ना तुझे साथ लेके जाऊंगी, बल्कि मैं जब भी वन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो, बस। मुझे पता है मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे घर पे डांट के बैठा दोगी। ना लल्ला, मैंने वचन दियो ना, मैं जब भी बन जाऊं तू मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। पर हम जाएंगे कब? अब उसका निर्णय बाद में करेंगे लल्ला, अभी तुम सब बताओ खाने के लिए कुछ लाऊं? अरे मुझे तो आज ही जानो है मैया। मीठे बुए। हाँ, मीठे बुए। ठीक है, तुम सब यही प्रतीक्षा करो, मैं गरम गरम पुए लेके अभी आई। आप इतने दुखी क्यों हैं प्रभु? वृंदा देवी से कह दीजिए कि वो थोड़ी प्रतीक्षा और कर ले। ये तो प्रतीक्षा कर लेगी मुरली, पर कंस मामा नहीं करेंगे। यदि उसने मुझ पर दृष्टि रखी है तो इसका अर्थ है कि अनुशासन में कमी है, किंतु अब जो मैं करने जा रहा हूं उससे उसको अधिक आनंद आएगा। महाराज आपने ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर था। सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर? तो एक भी ऐसी गुप्त सूचना नहीं ला सका जिसका प्रयोग मैं उस विष्णु अवतार के विरुद्ध कर सकूं। दुर्जन, तुम्हारा दायित्व बढ़ गया है, अब तुम्हें इससे भी अधिक उत्तम गुप्तचर ढूंढना होगा, अन्यथा इसके स्थान पर अगली बार तुम होगे। क्या हुआ काना, तुम्हें मीठे कुआ नहीं खाने? मुझे वन जाना है दाऊ। चलो ना सब चलते हैं। पर हम तो प्रतिदिन जाते हैं काना। वैसे भी वहाँ जामुन के वृक्ष के अतिरिक्त कुछ विशेष ना है वहाँ के वन में। मैंने तो इतने बड़े बड़े वन देखे हैं कि क्या बताऊं। एक बार केले के छिलके को खा के कह रहे हो कि स्वाद ना है? पहली मत बुझा काना, कहना क्या चाहते हो वो बता। यही तुम सबने जो देखो है ना, वो वृंदावन का बाहरी भाग है, असली वन तो भीतर है गहराई में, जहाँ गांव के बड़े बड़े लोग गए हैं। बाबा कह रहे थे वहाँ केवल जामुन के वृक्ष ना, और ढेर सारे मीठे फलों के वृक्ष है, इतना कि पेट भर जाए पर मन ना भरे। आपको पशु प्रिय है ना दाऊ? एक से बढ़के एक पशु है वृंदावन में, इतने छोटे से लेकर इतने बड़े बड़े हैं। प्रेम से बात करो तो आपकी बोली भी समझेंगे और बात भी मानेंगे। भूल जाओ काना, जब छोटी माँ ले जाए तो ही उन्हीं के साथ ही जाना। हमें तुम्हारी तरह ओखल से बंद कर दंड पाने में कोई रुचि नहीं है। पर दाऊ मैया ले जाएगी तब तो चलोगे ना? हाँ स्वयं भी चलूंगा,
और इन सबको भी लेके चलूंगा। वहाँ मुझ पे छोड़ दो ताऊ, आप सब तो वही करो जो मैं कहता हूँ। कहाँ चलेगा सबके सब? कान्हा, बलराम, सच्ची में बहुत शरारती होगा। वन को स्थान है क्या अकेले जाने का? बहुत तंग करने लगो है। अब इसे फिर से दंड देना पड़ेगा। हे नारायण, आगे तो इतना घोर घना वन है, कहीं कछु हो जाए तो, कहीं कोई पशु सामने पड़ जाए तो, इतना सा तो है, तनिक में भय ना लगो इसे। भय कैसे लग तो, रक्षा के लिए आप हो ना, मैया आगे आगे लल्ला पीछे पीछे। कान्हा, 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 कान्हा। प्रभु, मेरे प्रभु आ गए। कान्हा, कान्हा यहाँ आया था क्या? आप सबने कान्हा को देखो है क्या? यशोदा, क्या होगो? अरे क्षण भर पहले सारे बालक घर में ही थे। मैं तनिक पुए बनाने के लिए गई और जब लौट के आई तो सब जा चुके थे। कान्हा ना मिल रहे है, गांव के सारे बालक ना मिल रहे, और आपको कछु अंदर ही ना पड़ रहा। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मना किया था ना, फिर क्यों आयो तू यहाँ? हाँ मैया, मैया हम सब अपने आप थोड़ी ना आए, आप ही तो लेकर आई हमें। मैंने क्या आई हूँ? हाँ, हमें तो वन का रास्ता भी ना पता था, हम तो आपका पीछा करते करते आए। अरे पर मैं तो तुम सबको ढूंढ रही थी, और पीछे पीछे आए तो मुझे रोका क्यों ना? आप ही ने तो कहा था मैं जब भी वन जाऊं वो अपने आप मेरे पीछे पीछे आ जाइयो। मैं जब भी वन जाऊं वो मेरे पीछे पीछे आ जाइयो बस। और आपने वचन भी तो दिया था कि ऐसा करे तो आप डांट ना लगाओगी, पर आप तो मेरे पूरे गांव के सामने कान पकड़ के खड़ी हो।
मुझसे चालाकी कर तू है? हुँ? अभी बताती हूँ तुझे। रोक लल्ला, रोक। लल्ला। यशोदा ना। लल्ला रोक। लल्ला मैंने, लल्ला, लल्ला रोक, रोक। नाना मैया, फिर से डरना। तू घर चल, बताती हूँ। वैसे अच्छा ही हो ना, जो कान्हा आपको यहाँ ले आयो। वृंदावन आने के बाद आप दुर्बल हुई हो कि ना हुई हो, आपकी कानों की शक्ति अब से दुर्बल हो गई है सुलक्षणा काकी। एक बार मैं सुनाई ना पड़ा, अब फिर से सुन लियो। मैं मैया को ना लेकर आई हो, जी लेकर आई है हमें। लल्ला सुधा बालक है जे, खेलने दो। और वैसे भी जे स्थान सुरक्षित है, किसी भी मांसाहारी पशु के यहाँ चिन्ह ना मिले। बालको ये बाड़ के बाहर ना जानो है, भीतर ही खेलना। समझ में आई बात? समझ में आई गाना? चलो जाओ खेलो। बोला बंसी, बालकों का ध्यान रखना। चिंता मत करो भाभी, कहीं ना जाएगा गाना। तू जानती है ना उसे कस्तूरी, इसके पांव एक स्थान पर टिकते ही ना है। भोला बंसी है ना यहाँ दृष्टि रखाए हुए, आप चलो हमारे साथ। और आपको ऐसे ऐसे फूल दिखाने हैं जैसे आज तक ना देखे होंगे। चलो। और आपको पता है वृंदावन में बहुत ही दुर्लभ फूल मिलते है। हाँ। चलो बोला देखो ना कितना प्यारा है ना। क्षमा करना मैया, वृंदा देवी को दिया वचन निभाने के लिए एक शरारत और करनी पड़ेगी मुझे। क्या होगो, क्या सोचने लगो है गाना? यही कि कितने दिन हो गए हमने लुका छिपी का खेलना खेलो, है ना? अरे हाँ, यहाँ तो छुपने के कितने सारे स्थान है। गाना तू दावले, हम छुपते हैं। आज तो छुप के मुझे जानवर सिखाओ, पर जब तक दाऊ है ये संभव ना है। तो जाओ फिर मैं ना खेलूंगा। क्यों? हर बार दाऊ मैं ही रहता हूँ, आज मैं छुपूंगा। दाऊ लेंगे आज की दाऊ। हाँ तो ले लूंगा। ऐ लगता है क्या मुझे चुटकी बजाते ही सबको ढूंढ लूंगा ऐसे। हसलो हसलो, अब तो सबसे पहले तुम्हें ढूंढूंगा गाना। जाओ तुम सब छुपो। एक बलराम की आंखें अनेक, ओ चतुर वही जो बलराम से छुप पाए। जो कहाँ गए सारे के सारे? चिंता मती करो जसुदा जी, छुपन छुपाई खेल रहे सबके सब, वो देखो। दस, अब बस मैं आ रहा हूँ। अधिक देर तक छुप नहीं पाओगे, सब एक एक करके मेरे हाथ आओगे। आपने वन में प्रवेश तो कर लिया है प्रभु, पर अभी भी आपकी ये वृंदा आपके दर्शन से वंचित है, अब आ भी जाइए प्रभु। मैं तो कब से यही हूँ वृंदा देवी, कब से यही हूँ वृंदा देवी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा।
मुझे साक्षात दर्शन देकर आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है प्रभु। आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है वृंदा देवी, तो फिर मिलने कैसे ना आता मैं? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। आपके बारे में तो सारे जगत को जानना चाहिए। महाराज केदार की पुत्री वृंदा जो अपनी भक्ति से गोलों की अधिकारी बन गई थी, यहाँ इसी स्थल पर अपनी तपस्या से आपने मुझे प्राप्त किया था। तब यहाँ कुछ भी नहीं था। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा, आंखें खोलो वृंदा। प्रभु आप? मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपनी साधना से बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना दिया है तुमने, रिक्त पड़े इस स्थान को हरे पूरे वन में परिवर्तित कर दिया है तुमने, और अब तुम इस वन का भाग बन चुकी हो वृंदा, और ये वन बन गया है तुम्हारा अंग। अब से युग युगांतर तक ये वन और इसके निकट का क्षेत्र तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस वृंदावन में आकर जो भी भक्त तुमसे आज्ञा लेकर तप करेगा, उसका तप तुम्हारे तप की तरह अवश्य सफल होगा। अब से ये वन क्षेत्र पूजनीय होगा। प्रभु, एक भक्त को पूज्य क्यों बना रहे हैं आप? अब तुम केवल एक भक्त नहीं रही वृंदा, वृंदा देवी बन गई हो। वृंदावन की स्वामिनी, वृंदावन की देवी। मैं वचन देता हूं, द्वापर में फिर तुमसे भेंट करने आऊंगा, और तब तुम मेरी लीलाओं की साक्षी बनोगी। आज मैं यहाँ अपना वचन पूरा करने के साथ साथ एक पाठ के लिए भी आया हूँ। वृंदा देवी, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आज्ञा नहीं प्रभु, आदेश दीजिए। कंस के राक्षसों के वार से गोकुल वासियों को बहुत हानि पहुंची थी। मैं ना चाहता वृंदावन में भी ऐसा ही हो। कंस के राक्षस गांव तक पहुंच पाए उससे पहले कि मैं यहाँ आपके वन में उनका सामना करना चाहता हूँ। बस इसीलिए आपकी आज्ञा चाहिए थी मुझे। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा प्रभु। पूर्व काल में दिए आपके वचन के अनुसार मैं आपके लीलाओं की साक्षी बन पाऊंगी। समय हो गया, सुबह हुए। बलराम आए हुए ना अभी तक ढूंढने? पक्का पहले कान्हा को ढूंढ रहा होगो। इतने समय तक एक ही स्थान में छुपने वालों में से ना है। कान्हा, भोला, बंसी। हाँ रानी भाभी। कान्हा कहाँ है? रानी भाभी, कान्हा तो अभी यहीं पे था। हाँ। ये ब्रिज के पीछे ही छुपा हुआ था। जाने कहाँ चला गया जी? बहुत उदंड होगा जी। जिसके साथ साथ
आपको एक और सहायता करनी होगी मेरी। कान्हा, मेरी सत्या को, मेरी दिव्यता को मैया से छुपाना होगा आपको। कान्हा, इससे बातें कर रहा था तू? कान्हा, वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री कौन सी स्त्री? यहां तो कोई भी ना है, पर मुझे लगो मैंने किसी को देखा है। कान्हा, कोई थी ना यहाँ? हाँ हाँ छोटी माँ। कौन? रात अनुचित समय पर फंसा रहे हो ताऊ। पता नहीं छोटी माँ, पर जो भी थी बहुत सारी बेल और लता है उनके तन से लिपटी हुई थी और उनके पाँव बिल्कुल इस वृक्ष के जड़ों जैसे थे। यशोदा, तुमने भी ऐसा ही कछु देखो था क्या? मैं ठीक से तो ना देख पाई, पर कोई तो थी। भाभी, लग तो है हमारे बलराम पर भी उज्जवल का प्रभाव हो रहा है। मेरे लल्ला को बीच में क्यों ला रही है री? मैं बड़बोली बात नहीं कर रहा हूँ छोटी माँ। मैंने सच में कान्हा को उनसे बात करते हुए देखा था। सच्ची सच्ची बता कान्हा, किससे बात कर रहा था तू? इनसे। इस वृक्ष से? नहीं छोटी माँ, ये किसी स्त्री से बात कर रहा था। मैया, मुझे ना पतो जाओ किस स्त्री की बात कर रहे हैं। मैं तो सच्ची ने से ही बात कर रहा था। क्या बात कर रहा था तू? देख, असत्य मत ही बोल। असत्य क्यों बोलूंगा मैया, मैं तो आपका अच्छा लल्ला हूँ। सच्ची, मैं इनकी आज्ञा मान रहा था। आज्ञा? लेकिन किस बात के लिए? अब हम गैया को चराने आएंगे ना, इसी वन से चारा काट ले जाएंगे। यही पे मैं और मेरे सखा खेलेंगे, खाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कार्य करेंगे। तो इन सब के लिए वृंदावन से आज्ञा लेनी चाहिए ना बाबा? ये कह तो सही है। तो क्या ये वृक्ष तुम्हें आज्ञा देगा? हाँ दाऊ, ये वृक्ष इस वन का भाग है और ये पूरा वन इस वृक्ष का अंग है। कान्हा, यदि आज्ञा मिल गई हो तो चलें, गौदली से पहले घर पहुंचना है। चलो दाऊ। चलो चल लल्ला।